आत्मा जोड़ा, हाथ जरूरत हुए जरूर जोड़ना, ये तो बिना जरूरत रहा था। कहो नहीं माने जो गौ भक्त थोड़ी है, जो कहना नहीं मानते वो कभी गौ भक्त हो ही नहीं सकते। हाँ, ये माता बहनों का पंडाल है, कार्यकर्ता वाला कोई भी खड़ा नहीं रहेगा यहां। और जो गौ माता को मां मानते हैं वो जहां खड़े वहीं बैठ जाए, जो गौ माता को मां मानते हैं वो वहां बैठ जाए, जहां खड़े वहीं बैठ जाए, एक पांच मिनट के लिए, फिर उठ जाना भले, बैठ जाएंगे सब, बैठ जाएंगे सब, मेरे बड़े भाई हैं। यदि आप गौ माता को मां मानते हैं तो बैठ जाए, और आपकी नजरों में कोई और है देखो सब बैठ गया ना, तो कहो ना कहो कौन माने, छोटा भाई रू कहो कौन मानेगा। ध्यान है मारो गांव 631 किलोमीटर हटाओ यार, मैं कहने आरती कर घरे जा सको। हाँ क्यों, मैं बुलेवड़ो आयो बिना बुलाए को आयो यार, आरती मैंने पूरी आवे ठेठ लाट तक, ओम जय जगदीश रे। हाँ भाई जी की तो डंडा मोटर ले लिया आधा तो मिले डंडो डरे कहते कटे ठोकी चौमासा में। नहीं नहीं बिल्कुल मैं मानता हूं, अब कोई भाई खड़ा नहीं रहा, बिल्कुल टेंशन छोड़ो आप, बस सब गौ भक्त है यहां। और ये तेलाब की पावन धरती है, चुरू की देने धरती, सर्वप्रथम सालासर बालाजी महाराज के चरणों में वंदन प्रणाम, गौ माता माता पिता के चरणों में प्रणाम, खारी बालाजी महाराज के चरणों में प्रणाम, और मंच पर आसीन परम पूजनीय परम सम्मानीय परम श्रद्धेय संत गुरुदेव संत महापुरुष भेक भगवान के चरणों में प्रणाम। जनप्रतिनिधि महोदय भी अपने बीच में, बहुत दूरी हूं, बहुत अनमूल्य समय ले अपने बीच में पधारिया, जिला प्रमुख प्रतिनिधि मूलचंद जी आर्य जी, और बाकी करीबन सभी व्यवस्था कमेटी ने बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रखा है। आज तो जमी कम पटवारी गणा है, जमी कम है पटवारी गणा है, पर करा कहीं मैं एक ही हूं गौनाड़ो। हाँ जगह जगह ने तेन देखने आया हो, मैं सब लारे बैठा हो। हाँ वो सभी पर्दे के पीछे है। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत, दो तीन कैमरा भी ऊंचा करिया, आने भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है, मोबाइल ऊंचा करिया हो, अरे मारा साला सर दरबार, अरे मोबाइल पक्का चार्ज रख दिया बाबूजी तो बोलो श्री आदर्श जाओ बोलो, रूटीन पड़ जाए क्योंकि लॉकडाउन में दो तीन सालों अभी काम पड़ियो जय बोलन को, यार कई जवा नहीं बोली जगह जवा बोल गई देखिए थे फेसबुक में थे सत सत नमन पर लो गमन, क्यों भाई खाली रिपियाली जवा राखी मेरे जवा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, कहीं भी जय बोलने का मौका मिलता वहां हाथ खड़ा करके बंद मुट्ठी करके बोलना जय हो, ताकि परमपिता परमात्मा ने भी लागे कि भक्त मारा तेलाब की नगरी पर फॉर्मेलिटी नहीं गौ भक्ति करने वास्ते आया है, इसलिए जय करे में पीछे नहीं रहे हूं। जगह थारी जय बोली बारा खेत में आडी कांकड़ पानी पिऊं दे, नहीं बोली जगह छाटी मत नेक दो छो फिरता मटको लोड़ा टूंटिया माता, बाकी जय जत तो बोलो, इंद्र भगवान की गाया की जय तो बोलनी बोलनी है, इमें कदी लाज शर्म नहीं राखनो है। माता बहनों आपने भी बोली जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपने, जगह जय बोली माने बहुत बहुत धन्यवाद, यार कई कई भाई कोशिश करी माने भी बहुत बहुत बाले भी धन्यवाद, यार कई आगे बचा नहीं भी हमारे चरणों में हमारा दंडोत प्रणाम, थे जानो और सावरियो जानो। हाँ धन्यवाद है जी, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत ही बड़ा सौभाग्य का अवसर दिन है, ये भगवान की परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है कि अपने को सत्संग मिली और वो भी गौ माता की। सजनों जीवन में दो चीज कृपा सो मिलिया करे, बाकी सब चीज रिपिया टकाऊ मिले, दो चीज में पैसों खर्च नहीं वे कृपा वे भगवान की, एक तो कृपा सो मिले भोजन, दूजो कृपा सो मिले भजन, ये दो चीज कृपा मिलिया करे। आज अपने बीच में बहुत ही अनमूल्य समय लेर जनप्रतिनिधि जगह बैठा है, इन्हें पूरे दिन गांव में सेवा करनी पड़े, गांव गांव घूमना पड़े, एक एक मिनट इनके लिए बहुत अनमोल है, लेकिन आज रात्रि 11:15 अपने तेलापुरी नगरी में अपने बीच में बैठा, ये सब परमपिता परमात्मा की कृपा है, ये सब मेहमानों का भाव है, इस गांव का प्रेम है तेलाब का, और ये जो गौ भक्ति को जागरण है तेलाब नगरी में, लगभग लॉकडाउन के बाद में पहलो मेलो है,
कि एक को जज माता पा 36 कौम बेड़ा बैठा, ये उस भगवान की मेहरबानी है। उस मालिक को धन्यवाद देना, ये प्रभु ये दीनानाथ ऐसे दर्शन, दिव्य भक्तों के दर्शन मुझे आपने दिए, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्र गुजार हूं। महात्मा लोगों ने भजन में लिखा रहे भाई, बहुत बड़ी कृपा है गुरु और माता पिता। थोड़ो लार ले, इसको वहां ले जाओ, लार ले जाओ बटे, बड़े मोटरसाइकिल और गाड़ियां पड़ी रुकाड़ो, बड़े माने कुछ उठा बीच वाटो। हाँ, क्या बात, पायलट बड़ा समझदार है। लियो अब अगाई करो, हाँ लावे दो तीन गाड़ियां और भरी है बारे, एक 400 हाथ भरी है। जय हो जय, ठीक ठीक, 10 काउंटर लगे हुए हैं, जितने भी गौ भक्त बता रहे हैं कि ना तो मेरा काम भजन गाने का है, मेरा काम मेरा उद्देश्य जो है सबको पता है कि हम जा भी जाते हैं गौदान की राशि लाखों नहीं करोड़ों आती है और आप देते हैं, मेरा काम सिर्फ मांगने का है। तो जगह जगह काउंटर लगे हुए 8-10 जगह, आप काउंटर पर अपनी गोदान की राशि अंकित करवाना। आप हमारे बीच में ही एक बार तालियां बजाओ मंत्री जी के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज यहां जो भी मेहमान लोग पधारेंगे वो सब आप लोगों के प्रेम से आ रहे हैं। साहब नेतागणों के बाद दिन में पूरे दिन शेड्यूल बिजी रहता है, लेकिन रात को यदि 11:15 बजे अपने लिए टाइम दिया है तो सांवरिया की सालासर बालाजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। अरे कृपा आपने मुंडा के बार 1 घंटा बाद में पता चलेगा कि हकीकत में कृपा क्या होती है। यार हम बुला के लाएंगे कृपा को, क्यों कृपा हमारे पास पड़ी है, कृपा में हाथ ले रहा है, 2-3 गाड़ी हाथ भरी है कृपा, खाली कृपा कृपा की गाड़ी हाथ रखा 4, 2 गाड़ी कैमरा की, 2 गाड़ी साउंड की, 2 गाड़ी गावड़िया बजौड़ा की, 4 गाड़ी कृपा की। आ कृपा पूरी तैलाब में खाली कर जाओ मैं। हाँ, अब आपको लेनी नहीं लेनी देख लेना आप ही साहब, अब एक बार हाथ खड़ा करो तो कुड़ कुड़ नहीं लेनी चाहे। धन्यवाद, हाथ खड़ा करिए भाई साहब, 3 जनों का नाम मैंने नोट कर लिया, आपको कृपा नहीं मिलेगी, भले मंत्री जी डीजे ले रहा हो तो नहीं मिले। हाँ, वारियो गुरुदेव आपने बलिहारी, बलिहारी गुरुदेव ने क्यों बताई, क्योंकि प्रथम गुरु अपना माता और पिता, यदि माता पिता अपना गुरु नहीं होता तो सजनों अपन तेलाप की पावन धरती की कांकड़ में रात्रि 11:30 बजे तक नहीं बैठता। ये बहुत बड़ी कृपा अपने माता पिता की, और आदमी ने दिन उगते ही सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए माता पिता को, क्योंकि प्रथम निवण मेरे माता पिता को जिनसे बना मेरा शरीर, दूजो निवण करूं मेरे गुरुदेव को मेरे पड़ियो भजन में शीर, सबसे बड़ी कृपा है माता और पिता की। अपने मिनक मिनक जुड़ी में लिया और माता पिता की कृपा सु आपने संस्कार मिला, माता पिता की कृपा सु आपने ये सत्संग मिली गुरुदेव की कृपा सु, बहुत बड़ा भागी पुरुष है अपन। अरे मिनक तो वही है, मिनक तो वही है जो सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन माते कटोरो लियोड़ो हीरा तीर प्लेट भर माते हुतो, वही मिनक है। दिन उगते ही कटोरो लेर फिरे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया सामरा 35 रुपया भेड़ा वेर लियोड़ो शिशिर, वही मिनक है। लेकिन मिनक आपा भी हा तेलाप की पाऊं धरती पर 11:30 बजे भगवान की भक्ति में बैठा, ये सबसे बड़ी माता पिता की मेहरबानी है। और मैं तो धन्यवाद हूं आपके माता पिता को ऐसे संस्कार देके जो आपको ऐसे काबिल बनाया गौ भक्ति करने के लिए। तो महात्मा लोग समझावे, आप नहीं बेता, यदि थे ही नहीं बेता तो मारो का ही ढंग वे तो मेरो क्या हाल हो, तो बहुत टेढ़ो मामलो हो जाते साहब। यदि गुरु नहीं मिलता भाई जी थोड़ा हलो कम करें, मैं खड़ा हो जाऊंगा अपने आप खड़ा हो जाऊं, लेकिन प्लीज थोड़ी मारी भाषा और थारी भाषा में थोड़ा चेंजेज है, हल्को सो ज्यादा नहीं हल्को सो, मैं कोशिश करूं 15-20 मिनट में मारी एक एक शब्द थारे समझ में आवेला, लेकिन थोड़ो मैंने 15 मिनट को टाइम लागे,
क्यों गया कैसी ट्रेन आते नागौर जिला में चलते परसों पाली जिला में चलते तो एकदम चुरू में ट्रांसफर करता मन थोड़ो ट्रांसलेट में टाइम लगे 15 मिनट को क्योंकि बीच में वायरस भी तो आवे ना कहीं एंटी वायरस आ जाए हाँ थोड़ो 15 मिनट को टाइम ज्यादा कौन लो हाँ मैं सबने बिठा दे कोई दिक्कत नहीं हाँ क्यों मैं सबसे पहले मैंने यही बताया था न मैं कोई गायक हूं न मैं कोई जन नायक हूं और न मैं कोई खलनायक हूं मैं सिर्फ एक नालायक हूं जो गौ माता के लिए कड़वा बोलता हूं हाँ कड़वा बोलता हूं ये थोड़ी क्या है लोग मैंने किया करे थे थोड़ा खारा खड़ा बोलो हाँ बोलो ना साहब यदि माँ के लिए भी बेटा खारा नहीं बोलेगा तो फिर दुनिया क्या करेगी एक माँ के लिए यदि बेटा नहीं बोलेगा तो फिर मेरी गौ माता के लिए है कौन धरती पर बोलने वाला अपन पुत्र है गौ माता के बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन बोलने की जगह बोलते हैं और ज्यादातर लोग मुझे कॉमेडियन कहते हैं मैं कॉमेडियन नहीं हूं मैं सिर्फ जो आपके बीच में जो चुटकुले आप यूट्यूब पर सुनते हैं ये चुटकुला केवल थाने हंसाने वास्ते 5 मिनट वास्ते बोलिया करो ताकि जगह भी जागरण में आवे मारा भाई थोड़ा हंस ले हंस ले तो मारो चेहरो लागे गुलाब को चमेली को मोगरा को इसलिए हंसना भी बहुत जरूरी है यार नहीं हंसे जगह मुंडो देख लो गोभी को भूल दिन में 4-5 बार आदमी ने एकलो वेदन हंसनो सही जाए एकला ना हो एकला ने गरकार स्वामी हसिया ना ले जाओ ना खारी फेरी दिनों बालाजी के कहला बाबू जी की लागो है छोटो मोटो चेड़ो चपटो वो हसे कर दो हर दिन एकलो हंसनो कटी घर में वे तो बकरी में बढ़ जानो यार बाड़ा में वे तो चारा में बढ़ जानो हसन 5-12 आ जानो हाँ हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है गवर्नमेंट लाखों रुपया चैनल चलावे मिनका ने हंसाओ आज तक चैनल नहीं आयो मिनका ने रुलाओ इसलिए हंसना स्वास्थ्य आत्मा रो मंजन व्या करे हंसना बहुत बड़ो योग है हंसना हंसना आदमी री कई बदे थोड़ा जोरू बोलो हंसना उम्र बदिया करे उम्र हंसना आदमी री उम्र बदे ना जरा तानसेन कई बदे तानसेन पैसा क्या ब्लड बदे हो ब्लड तीन तो गलियोड़ी जय मेरे दो गलियोड़ी मुंडा भाई क्या बात है वाह भाई जय किशराब आत्मा को मंजन जरूरी है इसलिए भगवान की भक्ति में जाओ मंदिर में जाओ कथा में जाओ कीर्तन में जाओ जागरण में जाओ भजन में जाओ बस हमेशा निर्मल वैर बैठो 2 मिनट को भगवान ने कहो प्रभु हमारो काम धाम तू जाने सावरिया 4 घंटा रो मैंने टाइम मिलियो बड़ी मस्ती मैंने भगवान का भजन करने बस यही जिंदगी है साहब हाथ की चाल बाड़ो को नहीं है एक रुपये भी हाथ आज तक कोई लेगो को नहीं एक रुपया भी कोई हिस्सा 5 बार पूछो को नहीं इतना बड़ा था राजा रावण जीरे घर में विधाता घटी फेरने आती इंद्र भगवान पानी भरने आतो नौ घरे बीरे पागारे बंदियोड़ा रहता शनिदेव बीरे घर में बांधियोड़ा रखतो 4 वेदरो गया था चांद सूरज बीरे रसोड़े तापता 14 चौकड़ी राजरो धनी जातिरो ब्राह्मण बीरो नाव राजा रावण लेकिन गया पूरा राशन कार्ड निवेड़ के गया आप तो गए गए राशन कार्ड में पूरा ने पार्टियों से आप इसलिए धरती पर 2 मिनट का वक्त मिला ये समय बहुत कीमती है इसको कहीं ना कहीं यूज करें आप गौ भक्ति में माता पिता की सेवा में समाज की सेवा में जनता की सेवा में ताकि जाने के बाद दुनिया दुनिया याद रखे साहब मेरी ज्यादा उम्र नहीं है सिर्फ 29-30 साल की उम्र है मैं उम्र में 30 साल का हो जाऊंगा लेकिन मैंने तो मेरा जीवन पूरा गौ माता को दे दिया और मैं तो भगवान परमपिता परमात्मा ने दिन उगते ही एक ही चीज बोलिया करो अरे सांवरा सांवरा मारनो तो एड़ो मार यदि तुझे मौत ही देनी है सांवरा मारनो तो एड़ो मार मने ऐसी ऐसी दीजिए मौत सांवरा अरे मारनो तो ऐसो मार मने ऐसी दीजिए मौत अरे जीवता तो लोग याद करे अरे मरिया पच करे नारेला की जोत बस ऐसी मौत चाहिए साहब और कुछ नहीं चाहिए मरना तो सब जगह ही है कोई कहो यूडो रोगोरी पीवे कोई परेशान यूडो मुंगरी दवाई पिए कोई कहो कहो यूडो पंखा रे राडी गाल परन कहीं भी हो बोले आंखिया बार आ गई अटक क्यों मरियो बोले काफी टेंशन में था ओहो ये तो कहीं टेंशन आएगी जो पंखा री कंपनी ना पे तो रात रहा है कहे नहीं ये तो ओरिएंटर का है ये नहीं मुझे उषा का फैन चाहिए मरने वाला कभी क्वालिटी नहीं देखता टाइम भी नहीं देखता रस्सी भी वेजड़ी चाले इसलिए ये जिंदगी है साहब नाशवान है कल चले जाएंगे दुनिया याद करेगी आज मेरा तो बहुत बड़ा भाग है 631 किलोमीटर दूर आयो यार अटी तेलापरी छोटी सी नगरी
इस पेरी शॉप लंदन, इस भारत की दुनिया का सबसे प्यारा गांव ये तेला, जो आपका प्रेम मुझे नजर आया इस गांव में, तेला पे जो आपने गांव में घुसता ही मैंने जो प्रेम दिखाया आप, साहब काबिले तारीफ है। मैं तो भगवान ने कहूं, भगवान यदि भगवान इस जिंदगी किया पच्चे मन यदि मान के मैं पाचों मेले, ये भगवान चूरू जिला में तेलाब गांव में भेज दीजिए, बस मेरा एक ही भगवान से प्रार्थना। यदि तेने पाचो बेलन को बेटी मौको मिल जाए, नहीं ओम प्रकाश जी थाने देकर पाचो जानो जानो जन मन यहां करी पिछली गाड़ी सीट मत राख दिया, तेला पाड़ी स्टेशन आवे जड़े फाटक खोलन पछे डेरो हूं अमाल ले लार। बहुत बहुत धन्यवाद दी तेलाब की नगरी ने, बहुत बहुत धन्यवाद थारो भाव जोगो। तिवाड़ी जी ऐसी नगरी आपने तो देखी होगी, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में पहला गांव देखा, इतना प्रेम इस छोटी सी नगरी में, इतना प्रेम छत्तीसगढ़ का, बहुत बहुत धन्यवाद है। नेट तो बंद है लेकिन मोबाइल चालू है, हाँ धन्यवाद है, चलेगा। शिष्य गुरुदेव ने याद करे, गुरुदेव प्रभु आपकी बड़ी मेहरबानी है, आज मुझे भक्ति मिली है, सत्संग मिली है, लिखो यदि आप नहीं बैठा, आप नहीं मिलता तो मेरो क्या हाल बैठो। शिष्य ने लिखा है इन जगत में जी, ओ गुरुदेव निवेता इन जगत में जी, ये जी कुल कर तोरे मारी साई गुरा सन बलिहारी, मारा गुरु सदे बलिहारी जी, वारी वो वारी वो वारी वो गुरुदेव आपने बलिहारी, ये जीवारी वो गुरु दाता अपने बलिहारी, ये जी मारा गुरु जी ने बलिहारी जी, ओ हो 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 ह
मारा साहेब जी ने, मारा गुरु जी ने बलिहारी